हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी मिश्रा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनपुर में। तो देखिए, मैं आज आपको बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताने जा रही हूँ और मैंने जो ब्लाउज की लेंथ रखी है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने ब्लाउज की लेंथ 15 इंच रखी है और 3 इंच की जो है चौड़ाई देते हुए हम गले की मार्किंग कर देते हैं ऊपर के साइड से और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई देते हुए यहाँ से भी मार्क कर देते हैं। तो मैंने मार्किंग कर दी है, अब एक स्ट्रेट लाइन से इसको बराबर कर लेंगे। तो मैंने बराबर कर दिया, अब गले का लेंथ लेंगे तो मैं 10.5 इंच रख रही हूँ, यहाँ से मार्क कर देते हैं। अब इसको भी हम बराबर कर देते हैं। अब गला हमें जो है ये स्क्वायर में ही रखना है, इसी तरीके से हम कट कर देते हैं गले को। तो मैंने गले की कटिंग कर दी है, सेम देख लीजिए। अब ब्लाउज़ का कपड़ा लेंगे, कि मैंने ब्लाउज़ का कपड़ा लिया है, इसके ऊपर हम बराबर बिल्कुल रख लेते हैं जो अस्तर कट किया था मैंने। अब चलिए हम इसको गले के को भी अच्छे तरीके से कट कर लेते हैं। तो मैंने देखिए ब्लाउज के गले को भी अच्छे तरीके से पूरा कटिंग कर दी है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे, अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर में हम फैला लेते हैं एक दूसरे के साथ में। ये देख लीजिए, पहले इसको हम अच्छे से बराबर कर देते हैं पूरा। अब हम पूरे गले पे एक सिलाई लगा के स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने गले को स्टिच कर लिया एक सिलाई लगा के। अब जहाँ से हमारा कॉर्नर है उस साइड से हम दोनों जगह से देखिए एक कट्स लगा देंगे। तो मैंने कट्स लगा दिए, अब इसको हम उलट कर सीधा कर देते हैं ब्लाउज को। ये देखिए, मेरा गला सीधा आ चुका है। अब इसको अच्छे तरीके से पूरा हम सीधा कर लेंगे और एक सिलाई लगा के इसको पहले हम स्टिच कर लेते हैं गले को फिर से। तो मैंने गले को देखिए कम्प्लीटली स्टिच कर दिया है। अब चलिए हम ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे, अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए चलिए हम पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो मैंने ब्लाउज की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर ली है, ये देख लीजिए। इस पे अब हमें डिजाइन बनाना है, तो चलिए मैं लेस लगा के गले पे दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम पहले इस पे ट्रक्स लगा लेते हैं। तो अच्छे तरीके से एक साइड से मैं आपको ट्रक्स लगा के पहले दिखा देती हूँ। तो देख लीजिए मैं कैसे ट्रक्स लगा रही हूँ। इस तरीके से आप साइड में ट्रक्स लगा लीजिएगा, इसी तरीके से दूसरे साइड से भी मैं लगा लेती हूँ ट्रक्स को। मैंने दोनों साइड से ट्रक्स लगा लिया है, ये देख लीजिए। हम नीचे के साइड से पट्टी लगाएंगे, तो मैंने पट्टी लिया है। अब इसको हम स्टिच कर लेते हैं अच्छे तरीके से पट्टी को, यहाँ से पूरे पट्टी को स्टिच कर देते हैं। बिल्कुल बराबर करते हैं, पूरे पट्टी को स्टिच कर लीजिएगा कपड़े के साथ में। ये देखिए, मैंने पट्टी स्टिच कर दी है, एक सिलाई लगा के इसको हम अच्छे तरीके से पूरा फिक्स स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने स्टिच कर लिया है। पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के साथ में अटैच करके सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। ये देख लीजिए, मैंने पूरा सिलाई लगा दिया है गले पे, सॉरी पट्टी पे। मेरा ब्लाउज पूरा स्टिच हो चुका है अच्छे तरीके से। इस पे हमें डिज़ाइन करना है, तो मैंने ये लेस लिया है। चलिए मैं लेस आपको गले पे लगा के दिखा देती हूँ। तो मैं कैसे लेस लगा रही हूँ, सेम इसी तरीके से आप भी लेस लगा दीजिएगा पूरे ब्लाउज पे और जहाँ से कॉर्नर आए वहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से फोल्ड करके लेस को कॉर्नर बना लीजिएगा। यहाँ देखिए, मैंने दोनों साइड से कॉर्नर अच्छे तरीके से बना के स्टिच कर लिया है। एक साइड से लेस स्टिच किया, दूसरे साइड से भी कम्प्लीटली स्टिच हो चुका है। अब चलिए मैं आपको इस तरीके से एक पार्ट और लेस स्टिच करेंगे। तो डबल लेयर में मैं लेस स्टिच कर रही हूँ, आप भी डबल लेयर में लेस स्टिच कर लीजिएगा।
तो ये देखिए मैंने कम्प्लीटली पूरा लेस लगा दिया है गले पे। अब डिज़ाइन करेंगे नीचे के साइड से। तो मैंने ये देखिए कपड़ा लिया स्क्वायर साइज में, इसको मैं डिज़ाइन बना के स्टिच कर लेती हूँ। आप वीडियो में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए कैसे मैं इसका डिज़ाइन कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको भी इसका डिज़ाइन करना है। तो मैं क्रॉस में देखिए इसको फोर पार्ट्स में फोल्ड कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आप भी क्रॉस में ही फोर पार्ट्स में फोल्ड करके इसको स्टिच कर दीजिए एक साइड से। अब इसी तरीके से हम पूरा बना लेंगे जैसे मैंने इतने सारे बनाए हुए हैं। ये मैंने देखिए कम्प्लीटली पूरा बना स्टिच कर लिया है फोर पार्ट्स में फोल्ड करके। अब इसको हमें डिज़ाइन करना है, तो चलिए मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाती हूँ इसका। तो मैं कैसे देखिए इसको एक दूसरे के ऊपर रख रही हूँ। इसी तरीके से आप भी एक दूसरे के साथ इसको अटैच कर लीजिएगा। अब इसको हम स्टिच करेंगे, तो एक साइड से पहले हम इसको रखते हुए इसी तरीके से स्टिच कर लेते हैं। तो आप वीडियो में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये डिज़ाइन कैसे मैं बना रही हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है, आप बहुत ही जल्दी से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बस आप पूरे वीडियोस को मेरे देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा ये डिज़ाइन। एक साइड से देखिए मैंने पूरा स्टिच कर दिया इसको, थोड़ा सा और लगा देंगे। ये देख लीजिए एक साइड से मेरा ये पूरा स्टिच हो चुका है। दूसरे साइड से भी हम बिल्कुल बराबर करते हैं, अच्छे तरीके से स्टिच कर लेते हैं डिज़ाइन को। अगर आपको मेरी ये सिंपल और छोटी सी डिज़ाइन जो मैं आपको बता रही हूँ अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी, और लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। ये देखिए मैंने दोनों साइड से अच्छे तरीके से इसको स्टिच कर दिया है। अब इसको हम ब्लाउज के साथ पे स्टिच करेंगे। ये मैंने ब्लाउज लिया है और इसके नीचे के साइड में बिल्कुल बीच में आप रख लीजिएगा, और इसके बाद यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। तो मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ आप वीडियो में देख लीजिए। इसको बिल्कुल डिज़ाइन को बराबर करते हुए सिलाई को लगाइएगा, जिससे हमारा डिज़ाइन कहीं से भी फोल्ड होकर स्टिचिंग में ना आए। ये देख लीजिए मैंने अच्छे तरीके से पूरा सिलाई लगा के डिज़ाइन को फिक्स कर दिया ब्लाउज के साथ में, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको अच्छे तरीके से कट करके निकाल दीजिएगा। अब इसके ऊपर से भी हमें लैस लगाना है, तो मैंने लैस लिया है। किस तरीके से मैं लैस को इसके साथ में स्टिच करूँगी आप वीडियो में देख लीजिए। ये देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पूरा लैस लगा दिया है ये डिज़ाइन पे। अब इस पर मैं मोती लगाऊंगी, तो छोटी वाली मैंने गोल्डन कलर की मोती लिया है। अब इसको मैं कैसे डिज़ाइन पे लगा रही हूँ आप वीडियो में देखिए। इस मोती को हम अच्छे तरीके से पूरा डिज़ाइन पे लगा देंगे, तो बिल्कुल अच्छे से स्टिच करते हुए मोती को लगा लीजिएगा डिज़ाइन पे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ मोती को लगाना, सेम इसी तरीके से आप भी लगाइएगा। ये देख लीजिए मैंने गोल्डन कलर की पूरी मोती लगा दिया है डिज़ाइन पे। मेरी मोती देखिए पूरा लग चुका है ब्लाउज पे। मेरी ब्लाउज बिल्कुल डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लगा। अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो अगर आपने मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ऐसे लेटेस्ट डिज़ाइनर ब्लाउज़ देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।